महाराष्ट्र विधानसभा के हर अधिवेशन के बाद उड़ान जैसा हास्य कवि सम्मेलन होना चाहिए, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर का सुझाव। मैं तो समझता हूँ हमारे हर अधिवेशन के बाद एक ऐसा कार्यक्रम होना चाहिए। पंजा साहब ननकाना में शक्ति प्रदर्शन करना है, हमको भी तो हिंगलाज माता के दर्शन करना है, हमको भी तो। बोले बेटा वो तो अखाड़ा था, तू अपना दाव चल रहा था, मैंने अपना दाव चल दिया। संयोजक जी गरीब सरदार हूं, दाम मत चल देना भैया। हर वर्ष होली के अवसर पर मुंबई के आजाद मैदान में आयोजित होने वाले उड़ान हास्य कवि सम्मेलन का इंतजार वैसे तो इसके सभी चाहने वाले पूरे साल भर करते हैं, लेकिन इस कार्यक्रम को पसंद करने वालों में महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर जी भी हैं। उन्हें ये कार्यक्रम इस बार इतना पसंद आया कि उन्होंने कहा कि विधानसभा के अधिवेशन के बाद विधानसभा सदस्यों के लिए भी इस तरह के कवि सम्मेलन होने चाहिए। और मैं समझता हूँ साल भर की थकान इस कार्यक्रम के बाद दूर हो जाती है, और इसलिए इस कार्यक्रम में उपस्थित रहना ये मेरे लिए भाग्य की बात है। मैं तो समझता हूँ हमारे हर अधिवेशन के बाद एक ऐसा कार्यक्रम होना चाहिए। बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम यहाँ हुआ है, मैं आप सभी को मन से शुभेच्छाएं देता हूँ, और आगे भी ऐसे अच्छे कार्यक्रम आयोजित करने के लिए जब भी हमारा समर्थन हमारी साथ लगेगी तो हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वर्ष उड़ान संस्था की ओर से दिया जाने वाला सबसे बड़ा उड़ान रत्न सम्मान सुप्रसिद्ध कवित्री, समाज सेवी, शिक्षा प्रेमी और मोटिवेशनल स्पीकर श्रीमती मंजू मंगल प्रभात लोढ़ा को दिया गया। श्रीमती मंजू लोढ़ा जी को यह सम्मान उड़ान संस्था के पदाधिकारियों और वहां मौजूद कई नामी ग्रामी हस्तियों के करकमलों से दिया गया। इस संस्था का और युवराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं कि आज आपने इसे उड़ान रत्न से मुझे पुरस्कृत किया, ये मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात है। हमने हमारा गौरव बढ़ाया है आपको। आज त्रिवेणी संगम है, पूनम का चांद है और होली का पर्व भी है, और ये उड़ान रत्न का मिलना यानी त्रिवेणी संगम हो गया है। मैं कवियत्री हूँ तो आज मुझे ऐसा लग रहा है, ये वातावरण ऐसा हो गया है जैसे कि भीमसेन जोशी जी ने राग अलापा हो, रविशंकर जी ने सितार के तार कसे हो, हरिप्रसाद चौरसिया जी ने बांसुरी की मीठी मधुर तान छेड़ी हो, जाकिर हुसैन साहब और अल्लाह रखा खां साहब ने तबले पर थाप दी हो, बिरजू महाराज ने कथक की मृदुरा अपना ली हो और यामिनी कृष्ण मूर्ति ने अपने पैरों में घुंघरू बांध लिए हो, दूर कहीं वीराने में बिस्मिल्ला खान साहब के सेनाई के सप्त सुर गूंज उठे हैं। इस अवसर पर महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा खास तौर से मौजूद थे। उनका सम्मान उड़ान संस्था के संयोजक लायन सुरेश जैन और उनके साथियों के हाथों से किया गया। नहीं, ये हमें उड़ान को हमें गर्व है कि अगर बड़ी बड़ी मतलब जो नामचीन जो भी हस्ती है, जो भी है, जो लोग आते हैं और वो हमारा को एक आने से हमें गर्व होता है कि चलो इतनी बड़ी हस्ती और हमारे उड़ान संस्था में आए और हमें सम्मान मिला, तो ये इसी तरह सिलसिला हमेशा हमारा चलता रहेगा। और हमारे गणपत जी है, ये सभी हमसे जुड़े हुए हैं और ये भी सभी उड़ान के अंदर हमारे निस्वार्थ हम लोग जो सेवा का, और एक दिन पहले जो विश्व शांति की माँ पूजा होती है उसमें करीबन 1500 महिला रहती है, और वो दिन एक दिन सुबह हम लोग उस पूजा को करते हैं, बरसों से 25 साल से वो भी हम पूजा करते आ रहे हैं। तो ये उड़ान संस्था है और उसके अंदर हम लोग ब्लड कैंप भी लगाते हैं, बहुत सारी सेवाएं हम लोग उड़ान में लोग आए, और कविता पाठ में जो कवियों का चयन किया वो भी बहुत अच्छा किया गया, और आज जिनको पुरस्कार दिया है मंजू बहन जी लोढ़ा को, वो भी एक बहुत सम्मानित महिला को चूज करके दिया गया है। यानी जितना हमारे पुरस्कार का वैल्यू है उससे बढ़ के लोगों को बार बार ये दिया जा रहा है, एक से एक लोगों को ये मिलता है और उनको बड़ा अच्छा लगता है, और आज जो कवि सम्मेलन हुआ उसमें सबने बड़ा आनंद लिया। हंसी और ठाकों से सराबोर इस कार्यक्रम के सारथी युगराज जैन जी थे और उनके साथ ही
पंजाबी शेर, लखनवी सांड, जयपुरी खच्चर, उदयपुरी ऊंट, इंदौरी लकड़बग्घा के अलावा मुरादाबादी मैना भी मौजूद थी। होली के इस अवसर पर इन सभी ने अपनी अपनी रचनाएं सुनाकर श्रोताओं को लोटपोट कर दिया। लाइन सुरेश जैन ने जो कि संयोजक है, एक रात एक करके इस कार्यक्रम की सफलता का श्रेय अपने हाथे बजा है। मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं भाई भरत कोठारी, नरेश लोढ़ा एवं समाज कार्यकर्ताओं का मैं अध्यक्ष होने के नाते मेरे छोटे भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सच्चा है अपना प्यार तो फिर क्या जहाँ का डर, गुल बन के गुलिस्तान है वफा में खिलेंगे हम। अब हम भी चढ़ रहे हैं तो अफसोस मत करो, अगली बहार आई तो फिर से मिलेंगे हम। इस अवसर पर कवि युगराज जैन द्वारा निर्मित फिल्म परिवार में प्रेम हो पर भी चर्चा की गई। यह फिल्म कैसी है और किसके लिए बनाई गई है, इस विषय में उसके लेखक, निर्माता और कलाकार युगराज जैन जी से प्रेस न्यूज के संपादक आबिद नकवी ने बात की। और जो रिश्ते बिगड़ते जा रहे हैं उनके हर एक विषय पर मैंने प्रकाश डालकर इस स्टोरी को लिखा है। इसमें गाने भी मैंने लिखे हैं और निर्माता भी मैं ही हूँ। तो आपके आशीर्वाद से ये फिल्म निश्चित तौर पर दूसरी बागवान साबित होगी, ये मेरा वादा है। लोगों से, आम लोगों से क्या अपील करेंगे, क्या उम्मीद लगाएंगे आप, क्या करें, मतलब किस तरह से कहाँ देखें इसको, किस तरह से देखें? यहाँ हर व्यक्ति तनाव में है, जिंदगी वक्त के बहाव में है। हमने पानी पे थोप दी तोहमत, ये न देखा कि छेद नाव में है। जब तक हम अपने अंदर भीतर नहीं झाँकेंगे, रिश्तों की अहमियत को नहीं समझेंगे, परिवार के माँ बाप के सेक्रीफाइस को नहीं समझेंगे कि उन्होंने हमें पार पोस कर बड़ा करने में कितना, एक माँ जो है 9 महीना कूली बनकर रहती है बेटे के लिए, उसके लिए रसोईया बनती है व्यंजन बनाकर खिलाने के लिए, चौकीदार बनती है माँ बेटों के लिए, बेटियों के लिए, तो वो सारे रिश्ते भूल जाते हैं। उनके कष्ट को, उनके सेक्रीफाइस को लोग बहुत जल्दी भूलते जा रहे हैं। यही मैंने उसमें सिखाया है कि तुम आज जिस जगह हो वो अपने माँ बाप की जगह के कारण हो। अगर माँ बाप ने ध्यान नहीं दिया होता, चौकीदारी तुम्हारी नहीं की होती, तो शायद तुम अपाहिज हो सकते थे, कहीं गिर के विकलांग हो सकते थे। तो ये उन्होंने अपनी जिम्मेदारी, रातों की नींद और दिन का चैन खराब करके भी तुम्हें पार पोस कर बड़ा किया, उनके एहसानों को कभी भूलना मत, ये मैंने उसमें दर्शाया है। इस फिल्म की तारीफ भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री राज के पुरोहित ने भी की। मुंबई में आए तब से फिल्में तो देख रहे हैं, वॉर की फिल्म देखते हैं, प्यार की फिल्म देखते हैं, संघर्ष की फिल्म देखते हैं, केरला स्टोरी देखते हैं, कश्मीर फाइल देखते हैं, परंतु परिवार में प्यार हो देखने के बाद मैंने एक हॉल में एक दृश्य देखा। लोग हंसते हैं, खुश होते हैं, पर हर व्यक्ति ने उस फिल्म में अपने को देखा। इस रंगारंग कवि सम्मेलन में शिवसेना सांसद अरविंद सावंत के अलावा दक्षिण मुंबई की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जगत की कई मशहूर हस्तियां मौजूद थीं। इस कार्यक्रम की कामयाबी को इसी बात से समझा जा सकता है कि शाम 5 बजे शुरू होने वाले इस कवि सम्मेलन का आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में श्रोतागण रात 10 बजे तक बैठे हुए थे। राजेंद्र यादव के साथ आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज़, मुंबई।